पहले क्या कह रही है तू? क्यों, सबको अलग अलग बतानी पड़ेगी? पूरा घर ही पागल है, एक बार की समझ में नहीं आती। क्यों चिल्ला रहे हो? चाय नहीं लाए, खाली हाथ आयो? शोर मचाना मुझे भी आता है। अरे से चिल्ली, हाँ भाईजान, आ रहा भाईजान। और ये बोल कैसा रहा है? तमीज नहीं है ऐसे बोलने की? तुम कोई अहली मैली चीज नहीं हो, गांव के प्रधान हो प्रधान, अवे तब ऐसा बोल रहा? हाँ गलती है, गलती गलती है। हाँ। आपकी तरह तमीज से बोलना चाहिए। हाँ। चाय लेकर आओ। जा रहा हूँ। बैठे हो यहाँ, इसकी चोंच बंद करो। सलमा, तेरी भाभी बुला रही, चाय भी ले, अंदर जा। अरे क्या कह रही थी वो, कैसे बोल रही थी वो? कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब भाईजान आपकी पढ़ाई कर रही थी। प्रधान जी। वाह कौन है भाईजान, अंदर आ जाओ। राम राम जी। राम 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 राम। बैठो 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 भैया। आओ, मैं नु कह रहा हूँ प्रधान जी, गांव के जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी पेंशन का काम आपके प्रधान फंड से होगा, और जिस पर आप साइन कर दोगे उन्हीं को पेंशन मिल जाएगी। अरे करना क्या है प्रधान जी को? एक रजिस्टर पे साइन अंगूठे जिनके लग जाएंगे उनके पैसे आपके खाते में चले जाएंगे, उन लोगों को आप बांट देना। ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में कर दूंगा। तो मैं चलूं? बैठो भाई, चाय नाश्ता लेके जाना। जमीला चाय बना के लाना। प्रधान जी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और गाँव में भी जाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पी लेना चाय। और तुम क्या बोले, चाय? वो भी मेरे हाथ की? भूल जाओ, वो महारानी कल की आई हुई पलंग पे बैठ के चाय पीती है। खबरदार, जो आज के बाद मुझे चाय के लिए बोला, आज के बाद खाना भी तुम बनाओगे या तुम्हारी बहन बनाएगी, समझ गए? चिल्ली ये क्या कह रही है, इसे क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या हुआ, नुकसान हो जाता ही, पता नहीं हवा सी भर रही है। प्रधान जी ये बीच में घुस गया, मेरा नंबर था। पता थोड़ी देर में आ जाएगा, बिल्कुल गर्म हो रहा। प्रधान जी ये कोई बात हुई? अरे तो क्या हुआ, तुम सारे भाई तो हो, तुमने तो शोर मचा रखा है सबने आपस में। तो फिर सबको लाइन से बुलाओ ना। बात तुम लाइन से नहीं बैठ रहे थे उसमें हम क्या करें? तुम तो सारे बदतमीज है, जाहिल हो, पागल हो। क्या कहा, हम जाहिल है, हम बदतमीज है, हम पागल है? कभी ना काटे, अभी तेरी प्रधानी निकाल दूंगा। मैं कभी ना निकाले, मैं साले तुमसे सब मूर्ख सारे बोर्ड तुम्हें फिर भी ले लूंगा तुमसे। हम मूर्ख है, हम बताएंगे। पागल बता रहा, बेवकूफ बता रहा मैं? आया प्रधान। अबे प्रधान के बच्चे, तुझे क्या जरूरत थी वहाँ फालतू बोलने की? कुछ से कुछ कह रहे हो, उनकी सुन लेता सालों की। अबे कुछ कमाना है तो सुननी पड़ेगी, यही मौका है कमाने का। हाँ हाँ, मौके बहुत आएंगे, जब तक मैं प्रधान हूँ मौके बहुत आएंगे। ऐसा करो, घर चल रहे वाला रोटी खाते हैं। चल भाई। कैसे बैठी हो भाभी? क्यों तेरी आँख फूट रही है, दिखाई नहीं देता? ऐसे बैठी हूँ। और बर्तन धो लिया तूने? नहीं भाभी। चल खड़ी हो, बर्तन धो। अभी धो। जा। कैसे बैठी है भाभी? इतने बड़े बाप की तो ना है जितना तू रोब जमा रही है। बड़े बाप की ना सही, मेरा आदमी प्रधान है। प्रधान? प्रधान है? हाँ। वो भी मेरी आदमी की बदौलत है कमीनी। कमीनी मत कह दियो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, और मैं तो ऐसी खाऊंगी आराम से। मुझे प्रधान चाय भी बिस्तर पे देके गया। ठीक है, मैं भी कम नहीं हूँ, आने दो दोनों को, आज खाना उन्हीं से बनवाऊंगी। भाभी तुम ही चुप हो जाओ, भैया प्रधान है प्रधान, लोग क्या कहेंगे, प्रधान के घर में झगड़ा। भाभी तुम दोनों मत बनाओ खाना, मैं बना लूंगी। चुप कर सलमा, तू कब तक बनाएगी? आज फैसला होके रहेगा। फैसला हो या ना हो,
मेरा तो मन है नहीं काम करने का। खाना या तो तू बनाएगी या प्रधान बनाएगा। भैया तो ये आ गए, भूख लग रही, रोटी बन गई तो रोटी दे, भूख लग रही है। हाँ भाई लाओ लाओ खाना, लाओ खाना, खाना है। खाना खाना खाओगे? ऐसा करो रसोई में जाओ, खाना बनाओ, खुद खाओ और हमें भी खिलाओ। अबे ये क्या हो गया तुझे, इज्जत भूल गई? भूल ही नहीं हूँ, अब याद आई है। तो तू अब खाना नहीं बनाएगी? नहीं बनाऊंगी। कर लो क्या करोगे? करते क्या, खुद बना लेंगे। क्यों भाई सेकू? आप जैसे बोलो भैया। भाई जी खाना तुम मत बनाओ, खाना मैं बना लूंगी। तू चुप कर सलमा, तू आराम से बैठ। तू बैठ, हम खुद बना लेंगे। चलो भैया, चलो भैया बना लेते हैं खाना, वरना कुछ होने वाला। प्रधान जी। हाँ जी भाईजान, आ जाओ। अरे प्रधान जी आप खाना बना रहे हो? प्रधान जी के बीमार है। बे तुम अपना काम बोलो, हमारे घर का माहौल पूछना है। बे बात पूछो, क्या पूछना? अजी गलती होगी प्रधान जी, मैं तो पिलसन वाला अंगूठा लगवाना था। अच्छा वो? हाँ जी। एक काम करना। हाँ जी। पूरे गांव के भी अंगूठा दस्तक तुम ही करवा के ले आना। रुखसाना। हाँ। वो रजिस्टर ठाकला अंदर से। ये नहीं ला सकती, खा खा के कटिया हो रही है। जा कटिया रजिस्टर ठाकला। ये कटिया ना है, हमारी बहन है, जा ले आ। ठीक है जी, एक भी गलत होगा ना पूरी बिल्कुल तुझ से लूंगा। चलो भाई खाना बनाते हैं। बनाते हैं खाना भाई। अरे भाई आ जा तुम्हारा छान, मैं कुछ और करता हूँ, मसाला बनाता हूँ। ये तो करना पड़ेगा भैया, क्या करूँ सारा। अच्छा बताइए, ले पकड़ ले। आटा छान रहे सिर रहे भाईजान, भाईजान जल्दी बना लो खाना, दोनों में आवाज ही भर रही है वरना कुछ होने वाला। भैया दाल में सिट्टी आ गई, कर रही फुर 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 कर रही है। रोटी तो बिल्कुल मजबूत बनाई है, टिकाऊ बनाई है, खा के देखती हूँ। ये कैसा खाना बनाया है, इतना नमक फूक रखा है इसमें। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ना सिखाया, खाना बनाना भी नहीं सिखाया। ऊँट के ऊँट हो रहे हो, गांव के प्रधान हो, ये रोटी भी जली भी बना दी, बर्तन भी साफ करके खाना नहीं बनाया, कितने गंदे बर्तन हो रहे हैं। भाभी जैसी पक गई वैसी खा लो ना। सलमा तू बीच में मत बोल। अबे हमें तो बोलने का मौका दे दो। आज सच्ची बनाएंगे, हमारी तो भाभी बनाती थी, पता नहीं से क्या हो गया। जब दोनों की कमाई खाएगी तो पकाएगी नहीं। क्या कह रही है हराम जादी, अभी बता दूंगी। अरे खाना तो खा लो। आराम से खा लो, तुम पे खाया भी नहीं जा रहा। क्या कहा? खा लो खा लो, हमें तो गांव में काम से जाना। हाँ जाओ निकलो। क्या कह रही थी तू प्रधान के सामने? प्रधान के सामने? हाँ प्रधान के सामने क्या, मैं तो तेरे आगे भी बोल रही थी। सुतरी तेरा मुंह पीट दूंगी ज्यादा बोलेगी तो। मैं कह रही हूँ कल की आई हुई बात बना रही है, मान जा अभी बता दूंगी तुझे। मान जा, देखियो मान जा, पकड़ इसे, पकड़ इसे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, इसे क्यों मार दिया तू? ए मान जा, मार तो छोड़ेगी क्या इसे, छोड़ दे, चल हट, ले जा इसे यहाँ से, चल चल अंदर चल। बोलने में तो बड़ा पल ले रही है।
भैया प्रधान जी। हाँ ये लग तो सरकारी आदमी रहा। हाँ लग तो सरकारी रहा, लोगों को क्या पट्टी पढ़ा रहे आयो, चल के देखते हैं। भाई तुम दिक्कत मत लो, सबको पैसा मिलेगा लेकिन मिलेगा प्रधान फंड से। ठीक है। और सर सेक्रेटरी साहब कैसे हो? कैसे क्या, तुम्हारे गांव वाले लोगों के साइन हो गए हो तो सबसे पहला पैसा आपके गांव वाले लोगों को मिलेगा। लाओ तो दे दो फिर। क्यों प्रधान जी, चाय पिलाने के मारे हिस्से टरकाना चाह रहे हो? हम टरका रहे हैं, हम तो गांव में फिर कहा है, गांव की समस्या देखा है, समस्या देखा है गांव की। अरे वाह, चाय पीने के बाद घर चलो, चाय पी के जब जाना आओ, कागज कहाँ है दस्तक के? गाड़ी में कागज। ठीक है। भाई जी गांव में साहब आए, चाय लाओ बढ़िया सी चाय लाओ। खबरदार जो चाय बनाई, अब पता चलेगा प्रधान और प्रधाननी को। प्रधान जी हमने सुना प्रधाननी आई है, उनके हाथ की चाय पियेंगे। वो प्रधानी की उंगली कट रही है, उंगली। हाँ जी उंगली कट रही है। मैं देखता हूँ। अजी रहन दो प्रधान जी, तुम कहीं मत जाओ, तुम साइन करो, पैसे लो, मुझे और गांव में भी जाना। ठीक है, अपने साइन करवाओ और काम निपटाओ। फिर मिलते हैं। अरे जमीला ये इज्जत करेगी हमारे लोगों के सामने? तुम्हें चाय के लिए कहा था पर कुछ नहीं। और एक बात सुन लो, मेरे कपड़े आने और सलमा के भी। मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं क्या इस घर में भाग के आई हूँ? तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? समझ के ही आई हूँ, वरना सारा काम टाइम पे होता। बस एक बात सुन ले, इसे इज्जत करनी जानती है तू? किसी को चाय ना पानी, मैं इस गांव का प्रधान है। प्रधान खतिया भी बनवा दो प्रधान, अगर तुम प्रधान हो ना तो मैं भी प्रधान नहीं हूँ, प्रधान नहीं। अरे भाई प्रधान, तू इनके मुंह मत लग, चल गांव में चल रहे, चल जाओ, इन्हें तो मैं देखूंगी। अभी मिल गया चैन, आ गया सबर, सूट पहनूंगी, सूट पहन ले, जम्पर सिलवा ले। तू भी सिलवा ले सूट, मुझे ना भाई तुम दोनों फिर चालू हो गई, चलो अंदर। दो घंटे हो गए बैठे, प्रधान जी भी आए नहीं। लो आ गए प्रधान जी, अब बोलो क्या बोलना है। बोलो। चुप क्यों हो गए, हमने सब सुन लिया। क्यों भैया? हाँ भैया, जो तुम लोगों ने अंगूठे लगाए हैं वो उल्टे लगा दिए। क्या अंगूठा उल्टा, वो कैसे प्रधान जी? यार ये भाई भी हमारा रोज नए नए फलंतरे फांसता रहे। क्या सोच रहे हो प्रधान जी? कुछ नहीं, बस सोचना कुछ नहीं। जिन लोगों ने अंगूठे उल्टे लगाए ना, अब उन्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे जब ये कागज सूदे होंगे। क्या भैया? हाँ जी हाँ, सरकारी आदमी आके हमारे घर 4 बात सुना के गया। और बात सुन लो, और ये कहेगा जिसने अंगूठे लगाए साला पागल है, बदतमीज है। क्या वो मुझे गाली दे रहा था, उसकी ये मजाल? गाली तो वो दे गई जो अंगूठे उल्टे लगवा दिए, तो अब हर घर से 100 रुपए देने पड़ेंगे। ओ भाई हमें देने की जरूरत नहीं है, भाई हमारे क्या कमी है। अरे एक बात सुन लो, हम तो उन आदमियों को चाय नाश्ता अड़गम सड़गम बीड़ी सिगरेट सब पिलाते हैं, और तुम्हारी खातिर पिलाते सब। क्या भैया आगे तुम बताओ? हाँ भाइयों, हम बेईमान तो नहीं है, वो तो तुम ये सोच रहे हो जैसे वो हमारे घर में नोटों की गड्डी दे गया हो। मैं हमारा ये कहना है 100 रुपए अंगूठे में सही करवा लो, अभी टाइम है। ठीक है प्रधान जी, अब अपना सीधे करवा लो अंगूठे, इस पागल ने उल्टे जो लगवा दिए। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम पागल हैं? हम आज पहली बार सुन रहे हैं कि अंगूठे भी उल्टे लगते हैं। हम गांव के प्रधान हैं, हमारे सामने बोल रहा है। चलो भैया चलो। एक बात भाई साहब, हाँ। 100 रुपए गांव वाले से और देंगे साले, हमारे काम आएंगे, प्रधानी का पूरा मजा लेंगे। मगर एक बात है भाई साहब, हमारे घर में प्रधानी चीज नहीं है। हाँ ये बात तुमने सही कही, जब से रुखसाना आई है जमीला भी काटने को आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। समझ में आ जाएगा, मैंने सारा प्लान बना रखा। क्या भैया? वही मैंने दिशा सुधार पालन पास करवा रखा,
ये क्या होता है भैया? ये होता है भैया, जब मैं इस्तेमाल करूंगा ना, एक टमाटर भी फेंक दूंगा। हाँ चलो। तेरा क्या, तू तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन इस घर में यही लड़ाई चलती रहेगी कि इस घर में किसकी चलती है। देख लिया किसकी चलती है, मेरा गोठा कर है काम। मैं क्या हो रहा भाई, किस्सा हमारे समझ रहे हैं कुछ? तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आने वाला, तुम खाना बनाते हो या नहीं? क्या नहीं भाई, इसका मामला समझ में नहीं आया। खाना पका लो सेठ जी, वरना। क्या करेगी वरना? मैं समझा रही हूँ, वरना कुछ हो जाएगा। इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ तू वो करेगी? हाँ जी हाँ जी। रुखसाना एक बात सुन ले, इस घर का मर्च का कैप्सूल ले आया हूँ मैं। क्यों भाई साहब? हाँ प्रधान जी, वो कैप्सूल इन्हें दिखाई दो, इनकी तो तबीयत ज्यादा खराब है। गोली लाओ या कैप्सूल, रोटी तो तुम्हें ही पकानी पड़ेगी। ठीक है, आज अभी इस घर की रोटी पकाना काम खत्म करते हैं। देखा ये दोनों, तो ये दोनों, इनका बाप भी रोटी पकाएगा। मुझे ऐसा लगे तो आज कुछ करवा के मानेगी। हाँ देख लेंगे, ले भाई कुछ करवा के मानेगी। मुझे माफ कर दो, अब नहीं बोलूंगी, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। अजी मुझे माफ कर दो, आप जैसे कहोगे वैसा ही करूंगी। वाह एक बात बताओ, इस गांव के हम प्रधान और घर में कुछ नहीं? सब कुछ ठीक था जब से रुखसाना घर में आई है, जब से बिगड़ा है सब कुछ। और मुझे अभी कुछ नहीं करने देती थी भैया। शेख जी मुझे माफ कर दो, जमीला बाजी मुझे माफ कर दो, मैं तो क्या, मैं तो बाजी जब तुम मुझे देखने गई थी तुम कह रही थी घर में मेरी चलती है। अय है, मैं तो सही तो कह रही थी, मेरी भाभी है वो। मैंने सोचा कभी मैं पीछे रह जाऊं। इन्होंने तो अपनी अपनी घमंड में हमें फंसा रखा है। मगर भाई एक बात है, तुमने भाभी गलत मारा। भाई हमने तो पूरा गांव को पागल बना रखा और इन्होंने हमें पागल बना रखा। भाई इनकी ये नहीं समझ में आ रहा, हमने तो सरकार ही गाँव वालों से अंगूठे लगवा लगवा के सारे गांव के पैसे हड़प कर लिए और गांव वाले ले लो टीली लीली झर। अबे टीली लीली झर तो मैं निकाल लूंगा तुम्हारा, दोनों भाई पूरे गांव वालों का पागल बना रहे, अब मैं जा रहा पुलिस में। भाई जान पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। क्यों प्रधान जी? भाई प्रधान जी की बात सुन लो, कसम खाता हूँ गाँव वालों, भाई तुम्हारा गाड़ी हाथ जोड़ता हूँ, जो हुआ सो हुआ, आज के बाद अगर कोई भी पैसा बेईमानी का खाए मैं खुदा की कसम खाता हूँ जितने पैसे आपके पेंसिल के हैं, बुजुर्गों के हैं और दान के हैं, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद सब घर पहुँचाऊंगा। जाओ जाओ सब घर। देख लो प्रधान जी, आज के बाद कोई पैसा नहीं खाएगा बेईमानी का। भाई जान हाँ सब समझ जाओ, अपना खुश रहो, जाओ भाई जान जाओ। जमीला बाजी जो हुआ सो हुआ, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दो और आज के बाद खाना मैं पकाऊंगी। नहीं नहीं खाना मैं पकाऊंगी, खाना तुम दोनों नहीं बनाओगे, खाना मैं बनाऊंगी। तू चुप की रह, मैं बनाऊंगी मैं बनाऊंगी। इसका मतलब तुम दोनों सुधर गई है, आज के बाद प्रधानी हम चलाएंगे और खाना तुम बनाइयो, ये फिर मिलेंगे।